राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं क्यों खास मानी जाती है उत्पन्ना एकादशी। आइए हम आपको इसका शुभ मुहूर्त और इसकी पौराणिक कथा सुनाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी को एक पवित्र पर्व के रूप में माना जाता है। प्रत्येक माह में दो एकादशी आती हैं, जिनमें से एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी का शुभ फल प्राप्त करने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान पूजा पाठ सब शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे नियम भक्ति भाव और विश्वास के साथ रखा जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने का फल अश्वमेघ यज्ञ और तीर्थ स्थानों में स्नान दान आदि से मिलने वाले पुण्य से भी ज़्यादा अधिक है। उत्पन्ना एकादशी व्रत में श्री विष्णु जी की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी और क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथा। दोस्तों उत्पन्ना एकादशी तिथि 30 नवंबर 2021 मंगलवार को प्रारंभ हो रही है। एकादशी समाप्त तिथि हो रही है 1 दिसंबर 2021 दोपहर 12:55 पर। व्रत का पारण का समय है 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को प्रातः 7:40 से प्रातः 9 बजे तक। भक्तजनों आइए हम आपको उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार सतयुग में मुरु नाम का एक असुर था जो बहुत ही अत्याचारी था। मुरु नाम के इस असुर से देवलोक में सभी देवों को परास्त कर भगा दिया और इंद्रदेव को अपना बंधक बना लिया था। सभी देवता अपनी इस समस्या को लेकर भगवान शिव के पास गए और तब भगवान शिव ने उन्हें क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु जी के पास जाकर उनसे सहायता मांगने का आदेश दे दिया। सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे और श्री हरि विष्णु जी से अपनी व्यथा बताई। भगवान विष्णु ने स्वयं रणभूमि में जाकर असुर मुरु से युद्ध आरंभ किया। कहते हैं यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। सभी दैत्य सेना मारी गई लेकिन मुरु ने हार नहीं मानी और घायल होने के बाद भी श्री विष्णु जी से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु ने जब मुरु को घायल अवस्था में देखा तो वे बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। जब श्री विष्णु जी योग निद्रा में थे तब मुरु उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचा और जैसे ही उसने भगवान को मारने का प्रयास किया तभी वहां एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। दोस्तों उस पुंज से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने मुरु असुर का वध कर दिया जिससे एकादशी देवी प्रकट हुई और देवी ने उस दैत्य का वध कर दिया। दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि वह देवी श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। विष्णु भगवान ने उस देवी को वरदान देते हुए कहा कि जो लोग माया मोह में बंधे हुए हैं मुझे उन तक लाने में तुम सहायक होगी। तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाले भक्त हमेशा सुखी और समृद्ध रहेंगे। दोस्तों तभी से कहा जाता है कि एकादशी देवी के रूप में उनकी पूजा अर्चना होने लगी। भक्तजनों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।